बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चेरी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप सबको वेलकम है। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक जो मास्क है वो बनाने का तरीका बताऊंगी और इससे आपकी स्किन बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस मास्क में सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च भी इसे कहते हैं, उर्दू में हम इसे कलप या अरारोट कहते हैं। ये स्किन की क्वालिटी को बहुत बेहतर कर देता है और स्किन को हाइड्रेट करता है। इसमें विटामिन बी और B2 भी होता है जो हमारी छाइयाँ और फाइन लाइंस को ख़त्म करके हमारी स्किन को बहुत ही कर देता है बेस्ट एंड ब्यूटीफुल। उसके बाद हम इसमें यूज़ कर रहे हैं हनी हम इसमें 1 टेबल स्पून यूज़ कर रहे हैं। ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है और ये स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल ख़त्म करता है। कील, मुहासे और एक्ने के लिए भी बेस्ट है। शहद का इस्तेमाल आपने ज़रूर इसमें करना है। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं दही या कर्ड, वो भी तकरीबन हमने लिया है 1 टेबल स्पून। अब हमने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। दही भी हमारी स्किन से छाइयों और फाइन लाइंस को ख़त्म करती है और एक्ने और पिंपल्स के लिए भी बेस्ट है। तो आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेना और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। ये मास्क जो है जब आप स्किन पे लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी और आपका जो फेस है वो बहुत ही फ्रेश फील होगा। और आपने जब अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है तो हमेशा आपने याद रखना है कि जो भी मास्क आप स्किन पे लगाएं आपने नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है। तो आप अगर सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपने इसको लगा के आपने हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, मज़े से आपने लेट जाना है या बैठ जाना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट देनी है। इसे अच्छे से खुश करना है और जब ये खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसे, ये देखिए हमारा मास्क इस वक्त खुश्क हो चुका है। जब इस तरह से खुश्क हो जाए तो आप इसे या तो स्पंज से साफ़ कर लें, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसे सिंपल पानी से धो लें। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। आप भी इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल स्किन मास्क है ये।